तो चलिए साइंस टेक में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द टेलीकॉम कंपनीज टू स्टोर इंटरनेशनल कॉल सैटेलाइट फोन कॉल्स कॉन्फ्रेंस कॉल मैसेजेस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स यानी कि टेलीकॉम कंपनीज को कम से कम कितने साल के लिए सारे डेटा रखना पड़ेगा सैटेलाइट फोन कॉल का कॉन कॉल का मैसेजेस का एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंसर इज टू ईयर्स टू ईयर्स पहले डेटा ये वन ईयर तक के लिए रखा करते थे ओके नेक्स्ट विच यूनियन मिनिस्ट्री ज लॉन्च्ड सेहत इनिशिएटिव कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने सेहत इनिशियेटिव लॉन्च किया है फुल फॉर्म क्या है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस टेली कंसल्टे नाम से लग रहा होगा हेल्थ मिनिस्ट्री बट नो इट इज डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री ने सेहत इनिशियेटिव लॉन्च किया है फॉर द वेटर दीपल ऑफ द मिलिट्री आर्मड फोर्सेज जो है उनके फैमिली के लिए सो ई कंसल्टेशन हो जाएगा मेडिसिन घर पर पहुंच जाएंगी ये इनिशियेटिव है सेहत इनिशियेटिव ओके देन नेक्स्ट इज इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेसिस आईसी प्रोस्थेसिस होता है जो भी आर्टिफिशियल एक्सटेंशन uh, लगता है हाथ में प्रोस्थेटिक्स लगते हैं पाव में प्रोस्थेटिक्स लगते हैं सो ऑन सो सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विध विच फील्ड सो इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेसिस विजुअल प्रोस्थेसिस आइस से रिलेटेड होगा विजन से रिलेटेड होगा सो आर्टिफिशियल विजन से ये जुड़ा हुआ है जिन लोगों के अंदर विजन uh, लॉस हो चुका है उनको थोड़ा पार्शल विजन लौटाने के अंदर ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ है बिकॉज ICVP सी वी पी सक्सेसफुली सर्जिकली इम्प्लांट किया गया है एक स्टडी के फर्स्ट पार्टिसिपेंट के अंदर जिन जिस ग्रुप पर स्टडी चल रही थी सो कम्प्लीटली विजन नहीं था और अब पार्शल विजन उनमें लौट करके आ गया है सो so, बहुत बड़ा दरवाजा इस एरिया में खुला है एंड uh, ये जो आई सी वी पी है ये रेटिना के साथ नहीं आपके ऑप्टिक नर्व्स के साथ नहीं डायरेक्टली ब्रेन के विजुअल कॉटिक्स के साथ में अपना कनेक्ट uh, बनाता है और दिस इज हाउ थिंग्स बिकम पॉसिबल ओके देन डी आर डी ओ सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी इन उत्तर प्रदेश क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी क्या है और डी आर डी ओ ने सबसे पहला सक्सेसफुल परीक्षण इसका कहाँ किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर किया क्या है ये टेक्नोलॉजी तो इसमें बेसिकली सीक्रेट की को यूज करके इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्ट डिक्रिप्शन किया जाता है मैसेजेस का और फिर कम्युनिकेशन की जाती है सो डिफेंस कम्युनिकेशन हो ऐसी कोई कम्युनिकेशन हो जो सीक्रेटिव होनी है तो थर्ड पार्टी उसको नहीं आ, लीक कर पाए इसके चलते डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एजेंसीज क्रिप्टोग्राफी के थ्रू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड होती है और आ, इसके थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सीक्रेटिव फॉर्म में की जा सकती है और डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर के विंध्याचल जो कि करीब 100 किलोमीटर दूर है इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है ओके देन परम प्रवेग कंप्यूटर इंडिया का सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है सो परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर रिसेंटली बीन कमिशन बाय आई आई एस सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इट इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट पावरफुल सुपर कम्प्यूटर इन इंडिया वॉट इज द प्रोसेसिंग स्पीड इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है किस स्पीड पे काम करता है तो प्र पर सेकेंड 1015 ज़ीरो वन फाइव ऑपरेशन ये प्रोसेस करता है और इसको अगर हम यू नो टेक्निकल टर्म्स में देखें तो 3.3 पॉइंट थ्री पीटा फ्लॉप नाम में लग रहा है फ्लॉप होगा लेकिन नहीं थ्री पॉइंट थ्री पीटा फ्लॉप इज द प्रोसेसिंग स्पीड और हर एक पीटा फ्लॉप के अंदर एक क्वाड्रिलियन होता है यानी कि जीरो वन फाइव ऑपरेशन पर सेकेंड और इस, फिर इसको कर लीजिए

कंपनी है जिसने कोविड नाइन्टीन सक्सेसफुल वैक्सीन भी बनाई मॉडर्ना लॉन्चेस क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर एच वैक्सीन जो एड्स वैक्सीन होती है उसके ऊपर ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट करने जा रहा है मॉडर्ना और इसमें भी एम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो कि मॉडर्ना ने सक्सेसफुली कोविड नाइन्टीन वैक्सीन में यूज़ किया था एम टेक्नोलॉजी uh, के अंदर जो वैक्सीन होगी ये जो वैक्सीन बनाएंगे वो ब्लड सेल्स को वाइट ब्लड सेल को प्रॉम्प्ट करता है एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करने में तो जो भी एंटीजन होता है यानी जो भी परजीव जो भी वायरस है बॉडी के अंदर उससे फाइट करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी बन करके ठीक so, है सो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है दैट विल बी अगेन अ ह्यूज अचीवमेंट फिर हम आते हैं uh, स्पेस की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं नासा प्लान्स टू रिटायर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय 2031 बाय क्रैशिंग इट इनटू पैसिफिक ओशन सो नासा ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि भाई 2030 तक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वर्क करेगा और उसके बाद में इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा और एक तरह से इसको डीकमीशन कर दिया जाएगा पैसिफिक ओशन का जो बिल्कुल खाली रिमोट एरिया होता है जहाँ पे कोई नहीं रहता नो ह्यूमन बॉडी देयर जिसको कि पॉइंट नीमो कहा जाएगा वहां पर इसको क्रैश डाउन करवा दिया जाएगा सो so, uh, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये लार्जेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैबिटेबल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था जहाँ पे एस्ट्रोनॉट जाकर के रह सकते थे और सारा अपना काम कर भी सकते थे पांच स्पेस एजेंसीज थी जो कि इसको मैनेज करती थी नासा यूनाइटेड स्टेट्स की है उसके अलावा रशिया की रॉस्कॉसमोस जापान की जाक्सा यूरोप की ई एंड कैनेडा की सी एस uh, एक वीडियो मैंने लिया था जिसमें हमने uh, अलग अलग इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज की बात की थी इसरो की पूरी स्टडी की थी अगर नहीं देखा हो तो करंट जीके प्लेलिस्ट के अंदर आप आपको देख सकते हो ठीक है सो so, उसके अलावा देख लीजिए कि 1998 में सबसे पहले इस स्पेस स्टेशन का पहला पीस बना था और इसको रशियन रॉकेट से ऑनबोर्ड किया गया था स्पेस में और ये 8 किलोमीटर्स पर स्पीड की स्पीड से अर्थ को रोटेट करता है ऑर्बिट करता है नासा से जुड़े हुए हैं ये क्या हैं? ये सोलर मिशन हैं बेसिकली दो न्यू साइंस मिशन हैं फुल फॉर्म है मल्टी स्लिट सोलर एक्सपोजर और हीसोम ये दोनों मिशन सन के कोरोना को स्टडी करेंगे सन के जो एटमोसफेयर होते हैं उस कोरोना को स्टडी करेंगे और इनकी मैग्नेटिक फील्ड को सोलर uh, विंड so की मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टडी करेंगे ठीक है सो दीज आर एसोसिएटेड विद नासा एंड पर्टिकुलरली सोलर स्टडी सन की स्टडी नासा से बढ़ते हैं हम इसरो की तरफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज डी कमिशन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट थ्रू इलेवन री ऑर्बिटिंग मनोवर्स आफ्टर फोर्टीन ईयर्स सर्विस सो चौदह साल की सर्विस के बाद में इसरो कौन सेटेलाइट इस, uh, को निष्क्रिय करने जा रहा है आंसर इज इन सैट फोर बी इन फोर बी को जो कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट थी डी टू एच वगैरह में काम में आती थी और 12 साल की इसकी लाइफ थी 14 साल काम ले लिया बहुत बढ़िया है अब डी कमीशन करो ठीक है चलिए अच्छा एक कमी डी कमीशन करने जा रही है तो एक लॉन्च भी की है 14 फरवरी को इसरो ने एक आ, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या करती है अर्थ की स्टडी करती है फॉरेस्ट हो रिसोर्स हो वटेवर सो उसका नाम है ई ओ एस जीरो फोर सैटेलाइट ओके और इसको पी एस एल वी सी फिफ्टी टू के ऊपर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है और रिडार इमेजिंग सैटेलाइट है इस टेक्नोलॉजी से सारी इमेजेस वगैरह लेगी और सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट ऑफ फाइव ट्वेंटी नाइन किलोमीटर्स को लॉन्च किया गया है एक होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जियो स्टेशनरी यानी कि अर्थ के एक पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में वो उस सेटेलाइट की पोजिशन हमेशा फिक्स रहेगी जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करती है वो भी उसी स्पीड से रोटेट करती है ठीक है सो तो हमेशा उसी जगह पे दिखेगी एक होती है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट सन के सिंक्रोनस होती है यानी कि सन जिस समय जैसे 12 बजे सन इधर मिलेगा आपको आपके सिटी या जगह पे तो ये ऑर्बिट भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको वहाँ पे मिलेगी जैसे अगर आपने पोखरन मूवी देखी होगी सो पोखरन में क्या था जब वो न्यूक्लियर टेस्ट करना था हम लोग को पोखरन में तो एक टाइम होता था उस फिक्स टाइम पे वो सैटेलाइट उस जगह से गुजरेगी तो उस फिक्स टाइम पे सब कुछ ढक दिया जाता था और जैसी सैटेलाइट वहाँ से मूव कर गई वापस से सब कुछ काम स्टार्ट कर लिया जाता था तो वो थी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट सन से सेम थी कि सन जिस टाइम पे जहाँ होगा सेम एग्जैक्टली वो उसी पॉइंट पे वहाँ होगी जिस टाइम पे इन द सेंस गॉट द पॉइंट ना कि एक शहर पे सन लेट मी बेटर लेट मी बेटर कोट द वर्ड्स आई एम आई एम फाइंडिंग द वर्ड मिसिंग बिकॉज रात के करीब एक बज गए हैं और मेरा आधा दिमाग शायद काम करना बंद कर दिया है सो फिक्स पोजिशन होती है रिलेटिव टू द सन नॉट टू द अर्थ ओके जियो स्टेशनरी में रिलेटिव टू अर्थ फिक्स होती है और सन संक्रंस में रिलेटिव टू सन फिक्स होती है इट विजिट द सेम स्पॉट एट द सेम लोकल टाइम आई वॉज मिसिंग द वर्ड लोकल टाइम सेम लोकल टाइम पे सेम जगह पर ही सेटेलाइट देखने को मिलेगी ठीक है दिस इज हाउ इट इज चलिए तो बस इसमें इतना था फिर हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे विच स्पेस मिशन सैटेलाइट ऑफ इसरो हैज डिटेक्टेड सोलर प्रोटोन इवेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो का, कौन सा मिशन या सैटेलाइट है जिसने पहली बार सोलर प्रोटोन इवेंट रजिस्टर किया है या देखा है आंसर इस चंद्रयान टू बिल्कुल सही है वही चंद्रयान टू है जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा इसका जो लैंडर और रोबर था वो हार्ड क्रैश कर गया मून पे मून के सरफेस पे लेकिन इसका जो ऑर्बिटर है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है और उसी ऑर्बिटर ने सोलर प्रोटॉन इवेंट को दर्ज किया <coughs> अभी सोलर प्रोटॉन इवेंट क्या है सो बेसिकली सोलर पार्टिकल इवेंट या सोलर प्रोटॉन इवेंट होता है जबकि सन एकदम एक्टिव है और उसने या तो सोलर फ्लैर <coughs> एकदम से जो ऊर्जा भेजी है या फिर यू नो वेर एवर मास इजेक्शन होता है अगर कोरोना से तो उस केस में बहुत चार्ज पार्टिकल स्पेस में घूमते हैं और वो धरती तक भी अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी फेंकते हैं और उसको कहा जाता है

कि एक इंडियन नेवल शिप है जिसको कि डी कमीशन कर दिया गया है अब उसको नेवी यूज़ नहीं करेगी अब उसको म्यूजियम की तरह डेवलप करेंगे उसको दमन ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया है कि अब आप इसको वॉर हीरोज़ जो थे 1971 के वॉर हीरोज उनके मेमोरियल के तौर पे म्यूजियम के तौर पर डेवलप कीजिए ठीक है जी कौन सी शिप है ये आपसे पूछा जा रहा है आई एन एस खुखरी आई एन खुखरी और इसको माजागां डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया था नाइनटीन के अंदर विच एडिशन ऑफ द मीटिंग ऑफ इंडिया उमन ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमिटी जे एम सीसी वॉज हेल्ड इन न्यू डेली इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू हम फेब्रवरी के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं पर क्योंकि जनवरी के एंड में हुआ था कवर नहीं हो पाया होगा वी इंक्लूडेड ह्योर कुछ मिस नहीं होना चाहिए आई नो यू बी बर्ड द वीडियो सो लॉन्ग बट देन इतना कुछ इम्पॉर्टेंट होता है बताने का दैट इज अस्पॉसिबिलिटी इफ़ यू आर काउंटिंग ऑन अस फॉर करंट अफेयर वी गिव यू ऑल द इम्पॉर्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है आपसे ज्यादा टायर्ड मैं हूँ मैं आधी रात से भी ऊपर पढ़ा रही हूं सो प्लीज बेयर विद द टाइम दैट द वीडियो इज टेकिंग राइट सो इंडिया ओमेन ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी जो है उसका इलेवेंथ एडिशन ये रहा और मीटिंग को हमारे डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने और ओमान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जनरल सेक्रेटरी ने अटेंड किया फिफ्थ स्कॉर्प क्लास मेड इन इंडिया सबमरीन सेल्स आउट फॉर फर्स्ट सी ट्रायल अब ये देखिए हमने छमरी ऑर्डर की हैं किसको बनानी है ये ये बनानी है लिखा हुआ होगा आई रियली होप मैंने ओके okay, माजागांव डॉक बिल्डर्स जो है शिप बिल्डर्स माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एम डी एल इन एसोसिएशन विथ नेबल ग्रुप फ्रांस का ये मिलकर के ये छ सबमरीन्स बनाने वाले हैं चार आ चुकी हैं पांचवीं ट्रायल पे है और उसके बाद एक और आनी है तो जो पांचवी ट्रायल पे है उसके बारे में बात हो रही है कि जब कमीशन हो जाएगी तो इसका नाम रखा जाएगा वागीर वागीर और इससे पहले जो चार आई हैं उनका नाम कलवरी खांडेरी करंज और वेला था वेरी हाई टेक्नोलॉजी सबमरीन्स देन सुपर हॉर्नेट इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड एट विच कंट्री सुपर हॉर्नेट नाउ सी जो हमारा इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरफ्राइट कैरियर है विक्रांत आई विक्रांत इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनसली डेवलप पूरी तरह से इंडिया में डेवलप्ड आई विक्रांत उसको एयरक्राफ्ट कैरियर को एयरक्राफ्ट भी तो चाहिए सो so, वो एयरक्राफ्ट कौन से हों फ्रांस uh, के जो रफेल है उनका मेरीन वर्जन हम लें या फिर हम सुपर हॉर्नेट लें जो कि यू का है पहले तो सवाल आपसे किया जा रहा है सुपर हॉनेट कहाँ का फाइटर एयरक्राफ्ट है आंसर यू एस का है अमेरिका का साथ ठीक है तो अभी पूरी वो बातचीत चल रही है देखा जा रहा है परखा जा रहा है कि सुपर हॉनेट लिया जाए यूएसए का या फिर रफेल मरीन वर्जन लिया जाए जो कि फ्रांस का है और बस यही बात है तो जो आ, मरीन वर्जन है रफेल का वो तो टेस्ट हो चुका है गोवा में और अभी इसका होना है और फिर डिसीजन भी होना है चलिए बी डी एल साइंड कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई फॉर कॉनकर्ज एंटी टैंक मिसाइल फॉर इंडियन आर्मी बीडीएल क्या है भारत डायनेमिक लिमिटेड भारत डायनेमिक लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट uh, साइन किया है किसके साथ में इंडियन आर्मी के साथ में कि हम आपको कौन कर एंटी अटैक मिसाइल्स प्रोवाइड करेंगे जो कि कितने भी बड़े यू नो टैंक वैंक हों अच्छे से आर्मर्ड एंड ऑल उनको भी उड़ा देगा और इसी बी ने फर्दर फिर साइन किया एक अग्रीमेंट रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ में ओरिजिनल इक्विपमेंट वहां से मिलेंगे फिर ये बहुत इंडियनाइज तरीके से उसको सब कुछ डिजाइन कर कर आकर इंडियन आर्मी को पकड़ाएंगे पूरा एक डील हुआ है ठीक है और कॉन्कर के बारे में दे रखा है कि सेकेंड जनरेशन मैकेनाइज इन्फेंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है आर्मर्ड इक्विप्ड वेपन व्हीकल को भी उड़ा सकती है और इसकी रेंज है सेवेंटी टू फोर मीटर्स चलो भाई आगे चलो ओके नेटो जंग करा रखी है इस नेटो ने अब सब जानते हैं नेटो को है ना सो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज विंटर कैंप एक्सरसाइज इन एस्टोनिया सो फरवरी के अंदर विंटर कैंप एक्सरसाइज एस्टोनिया में कराई करीब रशिया के 100 किलोमीटर दूर ही थी एक्सरसाइज तो ये वो टाइम है जब रशिया अपने ट्रूप्स बॉर्डर पे यूक्रेन के आसपास लगा रहा था और इधर से नेटो विंटर कैंप एक्सरसाइज करवा रहा था तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली शक्ति प्रदर्शन चल रहा था सो विंटर कैंप एक्सरसाइज नॉर्थ ईस्ट एस्टोनिया में हुआ और इसमें 1300 ब्रिटिश एस्टोनियन और फ्रेंच ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर और रशिया ने अपने ट्रूप्स लगा रखे थे और वो चाह रहा था कि भाई आप पोलैंड से अपने नेटो ट्रूप्स हटाइए और जितनी भी आ, बाल्टिक स्टेट्स हैं एस्टोनिया लेथविया लुथुनिया के इन सब से भी हटाइए तो ये सारी दोनों तरफ से चीज़ें चल रही थी चलिए फिर हम आगे आ जाते हैं कि इंडियन एयरफोर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग विल बी तो नहीं अब पार्टिसिपेट कर लिया है इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन विच विथ विच एयरक्राफ्ट इन सिंगापुर एयर शो ट्वेंटी ट्वेंटी टू सिंगापुर एयर शो दो हजार बाईस में इंडियन एयरफोर्स uh, ने पार्टिसिपेट किया कौन से एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट किया तो तेजस के साथ पार्टिसिपेट किया दैट इज इट और कुछ नहीं है इसके अंदर ठीक है जी चलिए आई सी जी एस इंडियन कोस्ट गार्ड सो आईसीजीएस सक्षम

और इससे पहले जो चार वेसल्स आए थे उनका नाम था सचेत सुजीत सजग और सार्थक अच्छे नाम हैं सो इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि हमारे कोस्ट को गार्ड करते हैं और पेट्रोलिंग करते हैं और कोई इलीगल स्मगलिंग एंड ऑल नहीं हो रही हो, वो भी देखते हैं तो उन सब के लिए पेट्रोल व्हीकल है फिर हम आ जाते हैं एयरफोर्सेज ऑफ बांग्लादेश डक्ट एक्सरसाइज कोप साउथ ट्वेंटी टू ये भी हो चुका है फेररी के अंदर कोप साउथ ट्वेंटी टू ये कौन से दो देशों के बीच में एक्सरसाइज हुई सो बांग्लादेश और यूएस के बीच में सिंपल एज दैट फिर हम आते हैं हमारी एयरफोर्स ने पार्टिसिपेटेड इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज सिक्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू विथ विच कंट्री एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर इंडियन एयरफोर्स ने एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में कौन से कंट्री के साथ में एक्सरसाइज की है जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज सिक्स आंसर इज ओमान ओमान के साथ में किया था ठीक है और हमारी इंडियन एयरफोर्स है ओमान की रॉयल एयरफोर्स है इन्होंने ये एक्सरसाइज परफॉर्म की है और ये इसका सिक्स एडिशन था चलिए फिर हम आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चर्चा में रही मिलन 2022 हज़ार बाईस जो कि वैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हुआ करती थी हर बार पहली बार विशाखापट्टनम में देखने को मिली क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही थी 46 कंट्रीज को इनवाइट भेजा गया इस एक्सरसाइज के लिए जिसमें से 39 ने पार्टिसिपेट किया दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड नॉट द स्ट्रेंथ बेसिकली द काइंड ऑफ रिलेशन दैट वी हैव विथ वेरी अदर कंट्रीज ठीक है सो so, दो चरणों में ये एक्सरसाइज हुई पहला हार्बर फेज जो कि पच्चीस से अट्ठाईस फरवरी को हुआ और दूसरा सी फेज जो कि एक से चार मार्च को हुआ ठीक है ओके okay. अब ये एक एक्सरसाइज है जो कि होनी थी पर कैंसिल हो गई सो so, पर फिर भी सवाल बन सकता है इसलिए देख लेते हैं द इंडियन एयरफोर्स वॉज टू पार्टिसिपेट क्वेश्चन इसलिए हमने चेंज कर दिया कि भाई इसको पार्टिसिपेट करना था इन द मल्टी नेशनल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर ट्वेंटी टू तो पूछा जा सकता है कोबरा वॉरियर ट्वेंटी टू एक्सरसाइज कौन से देश होस्ट कर रहा था आंसर इज यूनाइटेड किंगडम लेकिन यूक्रेन रशिया के पूरे मुद्दे के चलते ये फिर एक्सरसाइज कैंसिल हो गई और पहली बार इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा था तेजस तेजस के साथ में ही कर रहा था शायद यस फाइव लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ में बट इट गॉट कैंसल उसके अलावा स्वीडन सऊदी अरेबिया और बुलगेरिया भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड जिसमें एक क्रक्स दे रखा है आप चाहें तो प्लीज आई एम आई एम स्टेपिंग अ साइड यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट और नोट और पी डी एफ और सो ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइजे हैं इंडिया की ये डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज हैं अलग अलग मिलिट्री फोर्सेज आपस में करती हैं और ये बायोलिट्रल एक्सरसाइज हैं अलग अलग देशों के साथ में जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव एंड विद दिस विद दिस वी आर डन विद ऑल दी इम्पॉटेंट स्टेट न्यूज़ साइंस टेक एंड डिफेंस न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू दो वीडियोज दो पार्ट्स अभी और बचे हैं मंथली सी ए में एक में नेशनल न्यूज़ कवर करनी है उसी के साथ हम फिनेंस एंड बैंकिंग भी कवर करेंगे और एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करेंगे स्पोर्ट्स भी उसी में होगा और जितने रैंकिंगज एंड इंडेसिस होते हैं वो भी देखेंगे So, take very good care of yourself and happy Women's Day to all the lovely ladies and men out there.